हाय, मेरा नाम है बद्री विश्वकर्मा और मैं भोपाल शहर से हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे थोड़ा सा हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा था, हेयर रेसीडिंग धीरे धीरे जो लाइन आप देख रहे होंगे कि पीछे की तरफ जाने लगी थी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता था कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ हो जाता है। कभी किसी से अपन दूसरे से बात करते तो फील होता है कि यार अपनी भी हेयरलाइन अच्छी होनी चाहिए। फिर एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिगार्डिंग पिछले 2 साल से एक रिसर्च ही करता आ रहा हूँ। मैं भोपाल शहर से हूँ, भोपाल में काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ भी होता है, पर यूट्यूब्स पे देख के और फाइनली फिर मैंने इनकी टीम को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इनकी टीम से बात करके मुझे एक ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है वो मुझे ट्रस्ट मिला। फिर धीरे धीरे मैंने और इनकी यूट्यूब से वीडियोज़ देखी, इनके पेशेंट्स से मैंने बात करे, काफ़ी सारे इनके अच्छे रिजल्ट्स थे जो इनके जो पेशेंट थे उनसे बात करी, तो धीरे धीरे ऐसे मेरा जो है इन पे ट्रस्ट बढ़ता गया। और नाउ यू कैन बुक अ फ्री ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन विद आवर एक्सपर्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फाइनली फिर मैंने 1000 किलोमीटर दूर से प्लान किया कि नहीं, अब मुझे एक अच्छा क्लिनिक या मेरी एक अच्छी रिसर्च कंप्लीट हो गई है और फाइनली मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। और हेयर ट्रांसप्लांट में मैं यहाँ पे स्पेशली हेयरलाइन के लिए आया हूँ, बाकी हेयर ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले अब समय मेरा रिजल्ट्स, क्योंकि आज मेरा ट्रांसप्लांट का डेट है और कैसा क्या रिजल्ट रहता है। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ और वेरी एक्साइटेड हूँ मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कि शायद आने वाले टाइम बाद मैं भी अच्छी हेयर स्टाइल करूँगा और सारी चीज़ें बेस्ट रहेंगी। फाइनली मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब क्लिनिक आया तो मुझे फिर क्लिनिक में काफ़ी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया। यहाँ पे क्लिनिक काफ़ी शांत और वातावरण बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो चीजें छोटी छोटी नोटिस करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मेरे जो चेकअप्स होते हैं बिफोर सर्जरी वो बहुत अच्छे से लिए हैं और सारी चीजें बेस्ट रही हैं और अभी तक मेरे लिए 10 of 10 है। नेक्स्ट सारी चीजें जैसे अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आता तो मैं आई होप कि ये सेकंड वीडियो भी बनाएंगे बिफोर एंड आफ्टर, तो आप इस क्लिनिक को बिल्कुल चुन सकते हैं। थैंक यू।